रेस्टोरेंट आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ये है टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के फिजियोलॉजी का टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लिपिड्स के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिपिड्स का जो डाइजेशन है वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले लिपिड का डाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं माउथ के अंदर, कि माउथ में जो लिपिड का डाइजेशन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन माउथ में देखते हैं, देयर इज़ नो डाइजेशन ऑफ फैट अकर्स हेयर, मतलब माउथ में फैट का डाइजेशन नहीं होता है। लिंगुअल लाइपेज कांट स्टार्ट लिपिड डाइजेशन इन माउथ ड्यू टू शॉर्टर स्टे ऑफ फूड इन माउथ। जो लिंगुअल लाइपेज होता है वह लिपिड का डाइजेशन माउथ में नहीं कर पाता है, क्योंकि जो फूड है, जो लिपिड फूड है, वो माउथ के अंदर थोड़े टाइम के लिए ही रह पाता है। एंड द डिफरेंस इन ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइम फंक्शन, दैट इज़ पीएच ऑफ सलाइवा इज 7, बट इट्स ऑप्टिमम पीएच इज 4.4 से लेकर 4.5। जो लिपिड का जो डाइजेशन के लिए जो पीएच चाहिए होता है वो 4 से 4.5 के बीच में ज़रूरी होता है, जबकि सलाइवा का पीएच 7 होता है। इसलिए लिपिड का डाइजेशन माउथ में नहीं हो पाता है। अब है डाइजेशन इन स्टमच, यानी माउथ के बाद जब फूड स्टमच में पहुंच जाता है तो डाइजेशन कैसे होता है। लिपिड डाइजेशन बिगिन इन स्टमच बाय एसिड स्टेबल लिंगुअल लाइपेज। आगे जाके जो लिपिड है वो स्टमच में जाके उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है लिंगुअल लाइपेज की हेल्प से। एज गैस्ट्रिक लाइपेज इज एक्टिव ओनली एट नियर न्यूट्रल पीएच, जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वह न्यूट्रल पीएच पर एक्टिव होता है, विच इज़ ट्रू ओनली इन न्यूनेट्स इन इनफेट्स, जो शिशु होते हैं उनमें पॉसिबल होता है। इट इज़ फॉर लिटिल यूज इन अडल्ट, अडल्ट में यह लाइपेज जो पीएच होता है वो बहुत कम ही यूज होता है। अब पढ़ते हैं लिंगुअल लाइपेज के बारे में। इट इज़ सिक्रेटेड बाय द डोर्जर सरफेस ऑफ टंग, टंग की डोर्जर सरफेस सिक्रेट होती है। यह लो पीएच पर एक्टिव होती है, इसके लिए पीएच मान 4 से 4.5 के बीच में होना चाहिए। आइडियल सब्सटेंस टीएजी यानी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल विथ शॉर्ट चेन एफए यानी फैटी एसिड, एग्जांपल मिल्क फैट। रेट ऑफ डाइजेशन इज स्लो बिकॉज फैट इज नॉट एट इमल्सिफाइड, माउथ जो लिंगुअल लाइपेज होता है क्योंकि उसका डाइजेशन, फैट का डाइजेशन कम हो पाता है क्योंकि जो फैट है वो इमल्सिफाइड नहीं हो पाता है। शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स आर रिलीज्ड एज एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो लिपिड्स होते हैं उनके लास्ट में एक फैटी एसिड की शॉर्ट चेन बनती है डाइजेशन के बाद में, विच आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम स्टोमच, जो कि स्टोमच में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है यानी अवशोषित होते हैं फ्रॉम द स्टोमच वाल से और पोर्टल वेन से फैटी एसिड्स की शॉर्ट चेन अवशोषित हो जाती है। अब है गैस्ट्रिक जूस। इट इज़ सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, इट इज़ इफेक्टिव एट एल्कलाइन पीएच, यह तभी एक्टिव रहेगी जब पीएच का मान क्या रहेगा, एल्कलाइन रहेगा यानी 7 से ज़्यादा, तो 7.8 पीएच मान रहेगा। लेस इफेक्टिव इन स्टमच ड्यू टू एसिडिक पीएच, यह जो गैस्ट्रिक लाइपेज है स्टमच में कम एक्टिव रहता है क्योंकि जो स्टमच का जो पीएच मान होता है वो एसिडिक होता है। एक्सेप्ट वेन एंटेस्टाइनल कंटेंट आर रिग्रेटेड इंटू गैस्ट्रिक ल्यूमन, सब्सटेंस जो इसमें बनता है वो है टी ए जी यानी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल विद अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, दैट इज मिल्क फैट। इन स्पाइट ऑफ लिमिटेशन लिंगुअल लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ टोटल फैट डाइजेशन, इसके बावजूद भी जो लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो फैट का लगभग 30% डाइजेशन करता है। प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लिपिड डाइजेशन इन नियोनेट्स एज मिल्क, जो शिशु होते हैं उनमें यह लाइपेज एंजाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू द अडल्ट्स, क्योंकि जो बच्चों में होता है वो मिल्क एनर्जी सोर्स होता है। दीज लाइपेज आर स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन इन पेशेंट विथ पैनक्रियाटिक इनसफिशेंसी, जो लाइपेज एंजाइम होता है वह फैट डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट में जिनमें पैनक्रियाटिक इनसफिशेंसी होती है, यानी जिन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है विद नियर और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, जहाँ पर
पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम एब्सेंट होता है, वहाँ पर जो लाइपेज एंजाइम होता है वो थोड़ा एक्टिव रहता है। अब थर्ड पार्ट है कि फैट का डाइजेशन स्टमच के बाद में कहाँ पहुँचता है, फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज़ द मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है फैट डाइजेशन के लिए। इफेक्टिव डाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल सोल्ट, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल साल्ट्स होते हैं जो मेन होता है फैट डाइजेशन के लिए, क्योंकि यह फैट को इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। बाइल साल्ट एक्ट एज इफेक्टिव इमल्सिफाई एजेंट फॉर फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन ड्यूडेनियम, सबसे पहले जाते हैं ड्यूडेनियम। द ब्रेकिंग अप ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू मच स्मॉलर इमल्सिफाइंग ड्रॉपलेट। सबसे पहले जो फैट ग्लोब्यूल होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में वह टूटता है, जिसे इमल्सिफिकेशन ड्रॉपलेट्स कहते हैं। द प्रोसेस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फैट या ऑयल सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम कैन एक्ट इफेक्टिवली। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो फैट के ऊपर चिपकते हैं और उन पर इफेक्टिवली कार्य करते हैं। इसके लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला है रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स बाय डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल साल्ट और लैक्टिनिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, जो फैट ड्रॉपलेट का जो सरफेस टेंशन को पहले कम किया जाएगा, किसकी हेल्प से, बाइल साल्ट की हेल्प से और लेसिथिन की हेल्प से। सेकेंड है मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ बाय गट पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस होती है उसकी आहार नाल की, उसके द्वारा भी इसका मैकेनिकल फूड का मैकेनिकल मिक्सिंग होता है। जैसे कि ये फैट ग्लोब फैट है, कोई भी फैट पदार्थ है उसके ऊपर बाइल साल्ट इसमें एक्टिव करते हैं। बाइल साल्ट क्या करता है, पूरे फूड फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। तो जो फैट मॉलिक्यूल है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है और इन फैट को हम इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो पहला ड्यूडेनियम है। अब हुआ पैनक्रियाटिक लाइपेज का क्या एक्शन है। सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द पासेज ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट इन द ड्यूडेनियम। पैनक्रियाटिक जूस तभी स्टिमुलेट होता है जब ड्यूडेनियम में एसिडिक गैस्ट्रिक पहुँचता है और बाय द सिक्रीशन ऑफ सिक्रेटिन और सीसीके की हेल्प की मदद से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है या स्टिमुलेट होता है। सीसीए का मतलब है कोलेसिस्टोकाइनिन। पैनक्रियाटिक लाइपेज विद द हेल्प ऑफ कोलिप्स डाइजेस्ट टीएजी फर्दर। पैनक्रियाटिक जो लाइपेज होता है वह कोलिप्स डाइजेस्ट के बाद टीएजी। पैनक्रियाटिक लाइपेज विद द हेल्प ऑफ कोलिप्स डाइजेस्ट टीएजी। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वह कोलिप्स की हेल्प से टीएजी को डाइजेस्ट करता है। इट रिमूव फैटी एसिड फ्रॉम C1 एंड C3 ऑफ ग्लिसरॉल। एक C1 और C3 कार्बन संख्या होती है एंड प्रोड्यूस टू मोनो ग्लिसराइल। तो जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है यह फैटी एसिड को C1 और C3 ग्लिसरॉल के वहाँ से फैटी एसिड को रिमूव करता है और 2 MAG 2 मोनो ग्लिसरॉल असाइल ग्लिसरॉल और टू फैटी एसिड्स वो बनाता है। तो जैसे ये ट्राइग्लिसराइड है, इसमें पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्शन करता है तो एक मोनोग्लिसराइड बनता है और एक फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। तो 2 फ्री फैटी एसिड्स बन जाएगा और एक मोनोग्लिसरॉल बन जाएगा। प्राइमरी एंड प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वह 2 मोनोअसाइलग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल। 2 मोनोअसाइलग्लिसरॉल रिप्रेजेंट 70% ऑफ टोटल प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा जो बनता है वो 2 मोनोअसाइलग्लिसरॉल ही बनता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल टुगेदर प्रेजेंट 30% ऑफ टोटल एंड प्रोडक्ट। लास्ट में जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रहता है वो 30% होता है। 70% तो 2 MAG होता है और 30% फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। बाइल साल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। जो बाइल साल्ट्स होता है वह बहुत ज़रूरी होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम के प्रॉपर फंक्शंस के लिए। बाइल साल्ट्स हेल्प इन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइपेज विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड कोलिपेज। जो बाइल साल्ट्स होता है वह लाइपेज के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है और
जिससे टू मॉलिक्यूल ऑफ स्मॉल प्रोटीन बनते हैं और जिसे हम कोलिपेज कहा जाता है। दिस कॉम्बिनेशन इन्हांस द लाइपेज एक्टिविटी, जो कोलिपेज बनता है जिस उसकी वजह से लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि ये फैट फैट ड्रोपलेट है, इसके ऊपर बाइल साल्ट्स का एक्शन होता है, तो बाइल साल्ट्स के एक्शन की वजह से जो फैट मॉलिक्यूल छोटे छोटे ड्रोपलेट्स में टूट जाता है, जिन्हें माइसिलिस कहते हैं। अब इन छोटे छोटे ड्रोपलेट्स पर पैनक्रियाटिक लाइपेज का एक्शन होता है, तो यह फैटी एसिड्स बनाते हैं और मोनोग्लिसराइड बनाते हैं, जो म्यूकोजल सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो फैटी एसिड का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है, सॉरी, फैट्स के जो होते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल होते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल्स होता है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट या तो फैटी एसिड्स हो और मोनोग्लिसराइड बनते हैं। 10-15% ऑफ टोटल डाइट्री कोलेस्ट्रॉल इज इन एस्टर फॉर्म विच इज डाइजेस्टेड बाय द पैनक्रियाटिक कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लगभग 10-15% एस्टर फॉर्म में होता है, जिसका डाइजेशन पैनक्रियाटिक कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज से होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स बनाता है। बाइल साल्ट्स एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, जो बाइल साल्ट्स होता है वह कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो अब लास्ट में देखिए, जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसका लास्ट में जो डाइजेशन पे जो फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, ग्लिसरॉल बनते हैं, 2-monoacylglycerol, कोलेस्ट्रॉल, लाइसोपीएल, ये सब बनते प्रोडक्ट। ऑल दीज आर द एम्फीफेटिक नेचर, एम्फीफेटिक यानी कि पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं नेचर, हैविंग हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप। एम्फीफेटिक यानी कि इसमें दोनों तरह का नेचर होगा, दोनों तरह की प्रकृति होगा, इसका कुछ पार्ट तो हाइड्रोफिलिक होगा और कुछ पार्ट हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक जो कि पानी में डिजोल्व हो सके और हाइड्रोफोबिक जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट ये सब चीज़ें बनेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, माउथ में, स्टमच में, इंटेस्टाइन में किस किस एंजाइम की हेल्प से लिपिड का डाइजेशन होता है, और इनमें बाइल साल्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, इमल्सिफिकेशन होता है फैट का। तो ये सारी चीज़ें फैट के डाइजेशन या लिपिड के डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।